Hello viewers, welcome back to my channel. Today we are going to make chicken chadkhara boti. Viewers, आज हम स्पेशल रेसिपी लेकर आए हैं चिकन की, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है. चटखारा रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो बहुत ही मिनटों में बन जाती है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इसके लिए सबसे पहले हमने चिकन लिया है जो कि बोनलेस है, और इसके लिए एक पेस्ट बनाना है हमें, जिसमें हमने 2 टेबल स्पून दही यानी योगर्ट लिया है, 3 हमने ग्रीन चिली ली है तीखी वाली, और थोड़ा सा हमने कोरिएंडर लिया यानी हरा धनिया, और धनिया और दही का ये हम इसमें हाफ डाल लेते हैं. हमने ज़्यादा पीस के रखा है, बाद में हमारे काम आएगा. और इसके अंदर हमने 1 टीस्पून विनेगर यानी वाइट विनेगर, सिरका ड्राइस करने के लिए होता है यानी गलाने के लिए. वैसे तो ज़्यादा बीफ में डाला जाता है, अगर आप चिकन टिक्का में डालेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही जूसी बनेगा. इसमें हमने 1/2 टीस्पून कचरी पिए, 1 टीस्पून हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, और ब्लैक पेपर डालेंगे इसके अंदर, काली मिर्च पाउडर, आप चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं. ब्लैक पेपर ये हमने फ्रेश मिक्सचर है मैरिनेशन का, वो बनकर तैयार हो गया है. अब इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून के करीब मलाई यानी क्रीम डाली है, फ्रेश क्रीम डाली है हमने घर की, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. बहुत मज़ेदार बनता है. व्यूअर्स, थोड़ी देर बाद हमने इसके अंदर बटर ऐड किया है, और थोड़ा सा हमने इसमें 2 टीस्पून हमने इसमें क्रीम जो है मलाई वो और ऐड की है, थोड़ी कम डाली थी हमने, और बटर को पिघला के मेल्ट करके हमने इसमें डाला है. 15 मिनट बाद हमने इसे फ्रिज से निकाला है, और स्क्यूअर्स पर लगने के लिए रेडी है. देखिए, इस तरह बैम्बू स्टिक्स आपको मार्केट से आसानी से मिल जाती हैं, इस पर आप इसमें इस तरह इंसर्ट करिए, और 4 या 5 जो भी आपकी चॉइस हो आप इसके अंदर लगा दीजिए अपनी बोटियाँ चिकन की. ऐसे ही हम सारी स्क्यूअर्स पर लगा देंगे अच्छे से. ये देखिए, अब हम दूसरी पर भी ऐसे लगा लेते हैं. ऑन स्टिक होना चाहिए, लो टू मीडियम पर हमें इसे कुक करना है. व्यूअर्स, बहुत जल्दी ही चिकन हमारा टेंडर हो जाता है, क्योंकि हमने इसमें कचरी पाउडर भी डाला है. अच्छे से हम इस पर बटर लगा देंगे, और जो इसका मसाला है वो भी हम इसके ऊपर लगा देते हैं. थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसके साइड चेंज कर देंगे, ताकि देखिए कहीं से जल ना जाए. ये बहुत ही जल्दी ग्रिल हो जाते हैं ये, और बस जब इसकी सारी साइडें गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो आप इसको हटा दीजिए. देखिए कितना अच्छा हमारा ये ग्रिल हो रहा है टिक्का. ऐसे ही हमने अपने सारे जो हमारे चिकन टिक्के थे उनको हमने इस तरह ग्रिल कर लिया है, सेक लिया है. अब हम इसमें इस कोयले का स्मोक देने के लिए यानी बारबेक्यू इफेक्ट देने के लिए हम इसमें कोयले को हम इसमें गर्म कर लिया है आग पर, और इसको हमने एक फॉइल की कटोरी सी बना ली है, और इस पर हम इसे रखेंगे. तेल डाल दिया है और इसे हम कवर कर देते हैं. थोड़ी देर बाद जब हमने इसे निकाला है तो व्यूअर्स अच्छे से इसमें स्मोक लग गया है, और हमारा ये बनकर तैयार है चटखारा चिकन बोटी. आप इसे ग्रीन चटनी से खाइए, रफ्तारी में बहुत मज़ेदार लगती है. व्यूअर्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा. अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर